फतेहपुर कब तक पहुँचे? कैमरा पहले बंद करो, बड़े होशियार बने हो। तुम्हारे अल्तमस भाई आ चुके हैं भाई, और भाई बढ़िया है। हम लोग गड्डी से लेने आए हैं सर की, अभी का गेट भाई साहब हमारे भाई। लोकेशन किसने दिया भाई तुमको? किसने? कहाँ मिल रहा है? हेलो भाई, थैंक यू भाई। हेलो भाई, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड अभी मैं निकल चुका हूँ फतेहपुर के लिए। अभी लगभग वही 5 बज रहे हैं सुबह के, तो देखते हैं यार कितनी देर लगता है पहुँचने में। मुझे कोई आइडिया नहीं है, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यार 4 बाग से बस वगैरह मिल जानी चाहिए। मैं कभी तो फतेहपुर गया नहीं हूँ, बट देखते हैं। अभी 4 बाग रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं, जस्ट मेरे बीच 4 बाग रेलवे स्टेशन है, और मुझे भी कुछ दूर पैदल चलना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि यहां से कुछ दूरी पे, आई थिंक 200 मीटर दूरी पे राइट साइड में पड़ता है बस स्टैंड, तो हमको वहीं पर जाना पड़ेगा। 4 बाग में काम बहुत सारा अच्छा हुआ है यार, मतलब कि जो ये साइड में बहुत सारी दुकानें लगती थी, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगता था। अब यहाँ पर सब कुछ हटा दिया गया है, अतिक्रमण वगैरह देखें, मतलब का नंबर अलर्ट हो गया है, सब लोग अब रोड पे नहीं आ सकते, तो इससे क्या होगा, पब्लिक भाई सुकून से जिएगी। लेकिन इस समय जाम भी नहीं लग रहा है। ये हमारे सामने रहा 4 बाग का मेट्रो स्टेशन, और ये रहा हमारा रेलवे स्टेशन लखनऊ का। भाई साहब बड़ा खूबसूरत है, बस सामने ही हमारे कुछ दूर पे बस स्टैंड है, देखते हैं। ये रहा मेट्रो वाला पुल, ऊपर से ये रहा बस स्टैंड हमारा, तो ये रहा बस स्टैंड। फैजाबाद के लिए, गोरखपुर के लिए लगी हुई बस, ये रही फतेहपुर लालगंज, आई थिंक यही वाली होनी चाहिए यहाँ लगा, ये पीछे बस। और देखते हैं, मतलब जैसे मैं आया तुरंत खड़ी थी यहाँ पर, चलते हैं बैठते हैं, देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। सीट वगैरह तो खाली होनी चाहिए, अच्छी चीज़ रही, सीट तो पूरी खाली है। तो ये सीट रही खाली हमारी, तो बाहर से कुछ ऐसा भी दिखता है हमारे, ऊपर से मेट्रो भी जा रही है। सो हर एक जगह सबको आपको दिखेगा भाई, यहाँ पर मेंशन है भी किस जगह पर, मतलब कि कौन सी बस जाएगी, यहाँ पर मेंशन था फतेहपुर, वहीं चली जाइएगा आप। भाई साहब बहुत गर्मी हो रही है, पूरी भर जाएगी तभी वहीं तक चलेगी। फतेहपुर कितने किलोमीटर पड़ता है? अभी जस्ट बस चली हुई है, फतेहपुर सर्च किए थे मैंने लास्ट बार, 2 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है यहाँ से रास्ता। यहाँ से 119 किलोमीटर, 119 किलोमीटर दूर है। गार्डन गैलेरिया ये मॉल है लगता है, यही बोल रहे भाई साहब, ये रहा बहुत ही बड़ा यार। टूल गेट पड़ा है, आई थिंक इस रायबरेली रोड पे पहला ही एक टूल गेट पड़ता है, मैंने कुछ ही देर में बने वाला है। मैं अभी मैप में देखा था, बसरामा के बाद सीधा एक राइट साइड को रोड कटेगा, जो कि सीधा रायबरेली ना होके लालगंज होते हुए हमें हुसैनगंज, फिर उसके बाद फतेहपुर पहुँचाएगा। ज़रा पहला स्टॉपेज है यहाँ का, आई थिंक एक स्टॉप पड़ता ही है। और सो ये बसरामा का स्टॉपेज है, मैंने सोचा यार मुँह वगैरह धुल लेते हैं, कुछ खाना तो है नहीं, क्योंकि अभी आधे घंटे आई थिंक हुए हैं जो निकले हुए। यहाँ एक छोटा सा नल है, नल से पानी वगैरह पीते हैं, चला दें। धुल लिया है, मतलब थोड़ा सा नींद जैसी आ रही है, तो मुँह धुल लिया, अब सही है। देखते हैं, कुछ खाना पीना तो है नहीं मुझे, वरना खाता पीता। सो बसरामा का कुछ बस स्टैंड ऐसा है, मतलब एकदम से लग रहा है उजड़ गया है,
कोई बस नहीं कुछ नहीं, यहाँ पर एक दुकान के अलावा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। चल रही है, चलते हैं बैठते हैं, सीधा हमारे लखनऊ चार बाग जाएगी। कब तक पहुँचेंगे फतेहपुर? हाँ भैया, फतेहपुर कब तक पहुँचेंगे? कैमरा पहले बंद करो, बड़े होशियार बने हो। भाई साहब बहुत तगड़ा जाम लगा है यार, अब पता नहीं कैसे बस जाएगी हमारी। बस गड़बड़ी, अब लेट होगा आई थिंक, अब देखते हैं। आपको गंगा नदी के दर्शन कराने वाले हैं, गंगा माता के, क्योंकि गंगा बैराज आ चुका है। और जब भी आप फतेहपुर जाएंगे भाई, बीच में गंगा जी ज़रूर पड़ती हैं, तो आपको दिखाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा विशाल गंगा नदी। सो ये रहा गंगा नदी भाई साहब, जय गंगे माता। सो ये रहे गंगे माता, और भाई तरफ ज़रा देखें कितनी विशाल है यार, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक इनका एरिया फैला हुआ है। भैया अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लालगंज बाज़ार। तो गाइस जो फतेहपुर के बस स्टैंड पर पहुँच चुका हूँ, और कहेंगे यार मैंने सोचा था कि यार 2 घंटे में मैं फतेहपुर पहुँच जाऊँगा, लखनऊ टू फतेहपुर, बट भाई साहब यार बस ने रुला दिया, मतलब 5 घंटे लगा दिए। सो अभी पहुँचा हूँ कहेंगे। ये रहा फतेहपुर का बस स्टैंड है ना, आप चलते हैं भाई साहब सर के स्टूडियो और मिलवाते हैं सर से आपको। मैंने सोचा यार कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा भूख लगी है, फिर चलते हैं सर के पास। ये छोला भटूरा मैंने लिया है, तो फिनिश करते हैं 2 फिर चलते हैं। तो भाई साहब छोले भटूरे खा लिए और कहेंगे थोड़ा अब एनर्जी जाके आई है, अब चलते हैं सर के स्टूडियो। अभी ये रिक्शा पे बैठे हुए हैं, अब जा रहे हैं सर के स्टूडियो। देख सकते हैं भाई साहब फतेहपुर किस तरीके का है, मतलब कि अगर अपने लखनऊ से ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं लग रहा है। कहीं रहने वाले हैं? मेरा कौसाम। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारे अल्तमस भाई आ चुके हैं भाई, और भाई बढ़िया हैं, हम लोग गड्डी से लेने आए हैं सर की अभी। थैंक यू सो मच भाई। तो ये रहा स्टूडियो का गेट भाई साहब, हमारे भाई स्वागत है आपका। सो बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया गया सर, हमें लेने आए थे भाई। मुझे लगा बहुत ही भीड़ भाड़ में बनाया गया है, ऐसा लग रहा था। कोई आता फट से यहाँ आ जाए तो मैं हाँ अरे ओके जूता अगर उतार दें। सो जिसको देखा वीडियो में, आज उनको सामने देखने का मौका मिल रहा है। हेलो भाई, थैंक यू भाई। हेलो भाई, चलो तो मिला दोबारा। अरे आपसे तो मिल चुके हैं भाई, हमारी ऑडियंस मिल चुकी है, बैठते हैं। क्यों भाई लोग दोबारा क्या दोबारा मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे? ओ सुषमा जी और अंकल भाई।